Hi students, welcome back to Shomz IS. I welcome you in my platform called Shomz IS. यहाँ पर हम economics को cover कर रहे हैं, जहाँ पर economics के at least second chapter ख़त्म होने वाला है और कुछ 7 to 8 videos हम release भी कर चुके हैं YouTube पर. अगर आप नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बजाय कोशिश कीजिए कि आप शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो करें, सो दैट आपको एक बेहतर आइडिया लगे कि किस तरीके से टर्म्स विद द टाइम बींग ग्रूम अप होते हैं, राइट. सो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ऑल टुगेदर नया टॉपिक है, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट. और साथ में आने वाले टर्म्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि HDI के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, राइट. तो चलिए डिले ना करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक कुछ जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है HDI इट्सेल्फ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे. ओके, इसके अलावा और टॉपिक देखा जाए तो उसमें जैसे गिनी कोफिशिएंट है वो भी यहीं पर कवर करेंगे, गिनी गिनी कोफिशिएंट, ये भी हम यहीं पर कवर करेंगे. और इसके अलावा रहता है ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ओके, ये चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं. नोट है कि ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं रमेश सिंह का चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है. रमेश सिंह इकोनॉमिक की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, आपको यहाँ पर ये स्टफ्स मिल जाएंगे, आप एक बार यहाँ से भी रीड करके गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो 11th एंड 12th के NCERTs में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है. बट थोड़ा फैला है इधर उधर, तो बट रमेश सिंह पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, चलो शुरू करते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, ठीक है, GDP, राइट, GDP क्या करता है बॉस, GDP हमेशा वो एक नंबर प्रेजेंट करता है ना, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन आपके देश पे हो रहा है ना उस प्रोडक्शन का वैल्यू प्रदान करता है ये आपको, राइट. सो अगर इस तरीके से हम देखा जाए, देखें है ना, तो GDP के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, राइट. बोलने का मतलब है ये सिर्फ एक नंबर प्रेजेंट करता है, अ नंबर, ठीक है, सिर्फ एक नंबर प्रेजेंट करता है. अगर आपसे ये पूछा जाए, हमें ये बताओ कि इनके बीच कंट्रीब्यूशन किस किस का है, राइट, अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है तो क्या आप बता पाओगे, इसके अंदर आप नहीं बता सकते हो. ये GDP की एक लिमिटेशन है कि GDP यहाँ पर आके फंस जाता है कि कौन से सेक्टर में क्या चीज़ हो रहा है, वो अच्छे से इसको इलेबरेट नहीं कर सकता है ना.
अब होगा क्या ऐसे में एक चीज तो सामने नजर आ जाएगी आपको कि जीडीपी एक प्रकार से क्वांटिटेटिव टूल है। जीडीपी एक क्वांटिटेटिव टूल है, राइट? अगर आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन के बारे में, राइट? अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको वो चीज़ मिलता है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। सो जीडीपी एक क्वालिटेटिव टूल्स नहीं है। जीडीपी कांट से एनीथिंग अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ खास नहीं बताता, राइट? सो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो एस्पेक्ट होते हैं ना जीडीपी के वजह से वो हमको नहीं दिख पाते, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि लिमिटेशंस क्या है इसमें, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लाइक जैसे जीडीपी हेल्थ का स्टेटस नहीं बता सकता, हेल्थ स्टेटस इन इंडिया, है ना, इंडिया या फिर इंडिया के पीपल्स का हेल्थ स्टेटस नहीं बता सकता। बोलने का मतलब हेल्थ स्टेटस क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, ये नहीं बता सकता, ठीक है? इनकम स्टेटस, इनकम स्टेटस नहीं बता सकता, ये भी उसकी लिमिटेशंस है। एजुकेशन लेवल, है ना, एजुकेशन लेवल भी नहीं बता सकता, ये भी लिमिटेशन है। जब ये सारे लिमिटेशन दिखाई दिए ना इकोनॉमिक्स को जीडीपी के अंदर, उन्होंने बोला ये तो एक प्रॉब्लम है ना। अब इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए काउंटर दिस प्रॉब्लम, काउंटर दिस प्रॉब्लम फिर जाके कॉन्सेप्ट आया HDI का। इसके अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो जो मेन मेन पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में भी बताइए कुछ, है ना? उसके बारे में भी पता चलेगा तभी तो बात बनेगी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाता हूँ। जैसे मानो देखो, यहाँ पर ना एक तरफ देखो बिल्डिंग्स है बहुत सारी, ओके? मॉल्स होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर है, ओके? ये, और यहाँ से मान लो एक रोड जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट रोड है इन यहाँ से, ओके? अब यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है? मान लो यहाँ पर जो टावर लेन होते हैं वो पूरे हर टावर लेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से सिग्नल्स की कमी नहीं है, गाड़ियाँ यहाँ पर भरपूर मात्रा में चल रही है, ठीक है, गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है, सारे जो सर्विसेज चाहिए होती है वो इस वाले एरिया पे है ना? बट अगर आप देखोगे इस वाले एरिया पे, ये झोपड़े बनाकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं,
ठीक है, जैसे तंबू गाड़ के लोग रहते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे शहरों में, राइट। तो आप देखोगे कि यहीं पर नदियाँ नाले भी बहेंगे, अब नदी नाले में कूड़े करकट भी बहुत होंगे, ठीक है, ऐसे कूड़े करकट हर तरीके में पड़े हैं, जहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, है ना, हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो रहा है इधर पर, तो ऐसे झोपड़े बहुत सारे हैं यहाँ से, है ना, टूटे फूटे सामान इधर पर बहुत पड़े हैं, रास्ते ढंग से नहीं है, और ये जो पब्लिक है इनके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं हैं, एजुकेशन सर्विसेज नहीं है ना। तो बेसिकली ये जो एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे को ना, यहाँ पर लो डेवलपमेंट है, लो लो डेवलपमेंट, लो इनकम, है ना, लो डेवलपमेंट हो गया, लो इनकम हो गया। वैसे ही अगर लो डेवलपमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, तो एजुकेशन भी कैसा होगा भाई, लो लो एजुकेशन। यहाँ पर कुछ भी अच्छे से सर्विसेज नहीं मिल रही है ना, इनके पास कुछ नहीं है। बट इन अदर हैंड यहाँ पर देखो, गुड टेक, इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, गुड एजुकेशन, एजुकेशन इनके पास अच्छा है, पॉश लिविंग, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है ना, ओवरऑल गुड लाइफ, इनके पास लाइफ बहुत अच्छी है, राइट। सो अब देखो, अगर मेरे को जीडीपी का ओवरऑल रूप देखना होगा, तो जीडीपी तो आपको ये बताएगा, मान लो यहाँ पर इस वाले एरिया से पूरा ये लोग छोटे मोटे बर्तन बनाते हैं, एक प्लास्टिक के सामान बेचते हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मान लो 100 रुपये, है ना, 100 रुपीज़ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई जीडीपी में। अब ये वाले एरिया बिजनेस कर रहे हैं बहुत, राइट, मान लो कि ये 10,000 यहाँ पर ये वाली कंपनीज को जनरेट कर रही है, 50,000 जनरली ये वाली कंपनी जनरेट कर रही है, ठीक है, ये जनरेट कर रही है, और लगभग मान लो कि ये जनरेट कर रही है 20,000, है ना, ये कंपनी इतनी जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल मेरे को अगर यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर 50,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, ठीक है, तो ये 80K तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया, प्लस 100 रुपीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया, तो ये ओवरऑल तो जीडीपी दिखाएगा ना, जीडीपी में तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा एरिया दिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीडीपी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो 100 रुपये कंट्रीब्यूशन है इसका, इसका क्या करे भाई, ये जो 100 रुपये कंट्रीब्यूशन बता रहा है, अब इस 100 रुपये कंट्रीब्यूशन का क्या करोगे तुम लोग। अब ओवरऑल कंट्री के अंदर तो ये बता रहा है कि इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, पर क्या असल में हो रहा है भाई, यहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, पानी में इतना कूड़ा करकट है, खाने के लिए अच्छा सामान नहीं है ना, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, बच्चों को क्या खाक एजुकेशन मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं जीडीपी से ये पूछूँ कि यहाँ पर ये जो लोअर पीपल है और ये जो हायर पीपल है, इनका कंट्रीब्यूशन बताओ, तो असल में ये कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी नहीं बता सकती है, बस इसी चीज़ का लिमिटेशन था कि जीडीपी में तो बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है, बट एसल लाइफ में क्या चीज़ चल रहा है ये चीज़ नहीं बताया जा सकता था, राइट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक थी, है ना, तो इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो हुआ क्या, कम ऑन, अब टाइम चल रहा था ऐसे टाइम पे जब इंडिया थोड़ा ग्रूम कर रहा था, ठीक है, तो ऐसे केस में हुआ क्या, लोगों को इकोनॉमिक्स को ये समझ में आया कि ये जो जीडीपी है ये हमको क्वांटिटेटिव टूल बता रहा है, तो ये वैल्यू तो प्रेजेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उस देश की जीडीपी जो बता रही है वो गलत है, नहीं, उसको तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट जब क्वालिटी है,
जब हमको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है ना, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ना, चाइल्ड हेल्थ कैसा रहता है वहाँ पर, है ना, और जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट अगर देखने होंगे, ये क्वालिटेटिव टूल्स है, और या ये हमारे को जीडीपी में नज़र नहीं आता। इकोनॉमिक्स फाउंड दैट कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जहाँ पर हमको ये पता चले कि इन सारे एस्पेक्ट में क्या डिफरेंसेस पैदा हो रही है ना। तो एक देश में अगर इतनी इनकम हो रही है तो इस सेक्टर को भी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, है ना। वो बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको पता लगाने के लिए डेवलपमेंट किया गया कि हम एक और इंडेक्स बनाएंगे, एक इंडेक्स होगा जिस इंडेक्स के अंदर ये सारी एस्पेक्ट को फुलफिल किया जाएगा, ये सारी बातों को बताया जाएगा किसी एक इंडेक्स के अंदर। तो वो इंडेक्स क्या होगा, फाइनली दे डिसाइडेड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बहुत इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पर हिस्ट्री है जो आपको जानना चाहिए। इसका डेवलपमेंट हुआ था यूएन में, यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन के उस टाइम पर वहां पर कार्यरत थे स्पेलिंग से मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे लगता है कि ये करेक्ट है, अमर्त्या सेन, ठीक है। वो अमर्त्या सेन थे, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंगली महबूब उल हक, राइट, ये पाकिस्तान से थे और अमर्त्या सेन थे इंडिया से। तो इन दोनों ने आपस में मिलके यूनाइटेड नेशन के अंदर डेवलप किया एक इंडेक्स जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये समझने के लिए कि एचडीआई के अंदर हेल्थ का क्या हो रहा है, इनकम का क्या हो रहा है, और एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है ना। सो इन्होंने प्रेजेंट किया कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों है, यूएन के अंदर उन्होंने बताया कि हमको ये ज़रूरत क्यों है। उन्होंने कहा ये जो जीडीपी है ना, एक्चुअल टर्म में उन्होंने ये बोला था कि ये इंडिकेशन लेस इवैल्यूएशन होती है जीडीपी के अंदर, राइट। इसीलिए हमको जीडीपी के साथ एक और टर्म की ज़रूरत है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सो ऐसे करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना था। सो ये छोटा सा हिस्ट्री है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये आपको काम आएगी आंसर राइटिंग के टाइम पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है हेल्थ के बाद एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट। After the education, there is income, ठीक है, कि उस कंट्री के अंदर ये सारे एस्पेक्ट भी किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली इसके अंदर के कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए, तो
तो हेल्थ के अंदर सबसे पहले आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा मान लो जन्म लेता है ना, एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो कितने साल जिएगा आगे, है ना। आज बच्चा बच्चे ने जन्म लिया है, इसके लिए खाने पीने रहने का और कंडीशन, किस प्रकार से आप कंडीशन देते हो, किस तरीके से न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन देते हो, किस प्रकार से आप उसकी देख रेख करते हो, सो दैट ये बच्चा कितना ईयर जिएगा, लाइफ उसकी लाइफ कितनी होगी डिपेंड करता है। तो इंडिया के टाइम पे, इंडिया में आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है 67 ईयर्स। ओके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ सो दैट इजी हो जाएगा और पॉइंट्स लिखने के लिए। ओके, सो इंडिया के अंदर कितना है आज के टाइम पे, इंडिया के अंदर है ये 67 ईयर्स। ओके, सो इसके अलावा और चीज़ें होती है, जैसे बर्थ, है ना। अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो कितने बच्चे अच्छे से पोषित होते हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये दो पॉइंट है जो इसके अंदर बात की जाती है। सो जो मेन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ही बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर सबसे पहले आता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का क्या मतलब है, कि आज तक, है ना, फ्यूचर में जो पास्ट में जो पढ़े हैं अगर उसका एवरेज निकाला जाए, मीन ईयर, मीन ईयर्स कितना निकलेगा, ठीक है। मीन ईयर जब भी बात करेगा वो क्या बात कर रहा है, पास्ट की क्या रेशियो, बैट का क्या रेशियो बनता है, पास्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के अंदर, राइट। सो वो निकालना एजुकेशन के अंदर, ये सेकंड कंपोनेंट है विच इज एजुकेशन, राइट। और दूसरा आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर आज के टाइम पे कोई बर्थ लेता है, अगर आज के टाइम पे कोई बर्थ लेता है ना, तो वो एटलीस्ट कितना साल आगे स्कूलिंग करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आज एक बच्चा जन्म लेता है ना, ये बच्चा मान लो कि पीएचडी करता है, एक दूसरा बच्चा है वो सिर्फ 10th पास करता है, और एक और बच्चा है जो ग्रेजुएशन करता है। पीएचडी के लिए ऑलमोस्ट 27 ईयर्स लगेंगे, 27 ईयर एज हो जाएगी उसकी, ऑलमोस्ट 27 to 30 ये एज हो जाती है बच्चे की, है ना। डिपेंड करता है कि पीएचडी में कौन सी स्टडी कर रहा है वो, है ना। और 10th ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो मान लो 14 to 15 ईयर्स यहाँ पर मान लेते हैं, रूरल एरिया को भी इंक्लूड करते हुए, ठीक है। ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट 21 ईयर्स तक हो जाती है, ठीक है। ये है, ये तो इनकी एज है, ये कुछ टाइम है, राइट। सो इतने इतने के अंदर कुछ टाइम एजुकेशन के लिए जो लग रहा है, राइट। सो ओवरऑल कितना बनेगा वो, है ना, कितना एरे जो एवरेज आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, दैट इज कि कितना साल एक बच्चा स्कूलिंग के बर्थ के बाद स्कूलिंग करेगा। ओके,
जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है, अगर पास्ट में कितने कितनी स्टडी हुई है इंडिया के अंदर, के बच्चे कितने आवर्स पढ़े हैं, तो सेम ऐसे ही निकाला जाएगा कि पास्ट में जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हम चेक करेंगे कि एवरेज क्या निकल रहा है, तो ओवरऑल उतना वो निकलता है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, राइट। इससे ये पता चलता रहता है कि मान लो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लो कि 15 साल आ रहा है, 15 ईयर है ना, 15 ईयर्स एक बच्चा पढ़ता था पहले, बट आज के टाइम पे बच्चा का जो जनरल ईयर्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21 ईयर्स, 21 ईयर्स सपोज, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ा है पहले के मुकाबले अभी लोग ज़्यादा लिटरेट है, लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक एजुकेशन गेन कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है फिर। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनकम। इनकम, ये इनकम का मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है GNI को समझो। GNI क्या होता है भाई? GNI होता है ग्रॉस नेट इनकम, ठीक है। ग्रॉस नेट इनकम को समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। आई एम श्योर इन दोनों में से एक नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, राइट। एक बात याद रखना है यहाँ पर कैपिटा जितना भी हाई जाएगा, है ना, डेवलपमेंट प्लस लाइफस्टाइल वो भी उतनी ही हाई जाएगी, समझ आया। जितना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का होगा उतना ही ज़्यादा लाइफस्टाइल वहाँ पर ग्रूम होगी, समझ आया। ये डिपेंड, ये किससे पता लगता है, GNI ग्रॉस नेट इनकम, किसी भी देश की ग्रॉस नेट इनकम क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझो ग्रॉस नेट इनकम क्या होता है, मान लो कोई कोई ए कंट्री है ना, इस के कर एक कंट्री की इनकम है 100 रुपये, ओके। अब ये 100 रुपये का अगर मुझे निकालना है पर कैपिटा इनकम क्या बनेगी पब्लिक में, ठीक है। सो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है मान लो ये है 10 लोग, ओके। अब ये 10 लोग है, दैट मींस क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 100, जो पर कैपिटा इनकम है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल जब करते हैं तो मुझे पता चलता है हर इंसान के बाद, एक बंदे के बाद कितना रुपए है, सॉरी 10 रुपीज़, समझ में आया। तो ये 10 रुपीज़ क्या है, ये 10 रुपीज़ है पर कैपिटा इनकम ऑफ द पर्सन। अब जितना ये पर कैपिटा इनकम होगा उतना उस बंदे का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। सबसे पहले मैं यही इसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है, इनकम के अंदर, इनकम वाला एस्पेक्ट, इनकम। अगर किसी भी देश की इनकम बढ़ती है, राइट, सो वो देखी जाएगी उस कंट्री की इनकम कितनी हो रही है। मान लो कंट्री ए की इनकम हो रही थी 100, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, और वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो था 10, तो हमको पता चला कि 1 पर्सन के बाद, 1 पर्सन के पास कितना रुपए है, 10 रुपीज़। अब ये इस 10 रुपीज़ का करेगा क्या, राइट। ये हो सकता है एजुकेशन को बढ़ाए अपना,
अभी इसका प्लान था 10th तक पढ़ने का, बिकॉज इतना ही पैसे था। अब जब वैल्यू बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, अब ये डिसाइड करेगा नहीं मैं कम से कम तो प्लस टू कर दूं यार, 12th तो कम से कम कर दूं। तो ये जो इंक्रीमेंट आया ये किस वजह से आया? ये आया एजुकेशन के अंदर वैल्यू, पैसा बढ़ने के वजह से, किसे? इनकम बढ़ने के वजह से, राइट? तो उसने क्या किया, एजुकेशन को भी बढ़ाया। सो इसका एस्पेक्ट था पर कैपिटा इनकम, राइट? सो हो सकता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास मोटर बाइक हो, ठीक है? अब जब पर कैपिटा इनकम उस बंदे का बढ़ेगा 10 रुपये से, राइट? अब वो पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, मान लो कि अब ये 1,000 रुपये देश की इनकम है और 10 ही लोग हैं, तो एक बंदे के पास अब कितना पैसा आएगा भाई? सीधा 100 रुपीज़ आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब ये 100 रुपीज़ का क्या क्या कर सकता है? एक तो एजुकेशन, पहले एजुकेशन ही ले पा रहा था, है ना? अब एजुकेशन के बाद इसके पास एक और बाइक भी थी, है ना? अब एजुकेशन तो है, एजुकेशन इसने 12th किया था पहले, अब ये 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करेगा, राइट? अब यहां पर क्या हुआ, ये इसके पास मोटर बाइक हुआ करती थी, ठीक है? अब ये मोटर बाइक के बाद अब ये डिसाइड, अब ये प्लान कर रहा है कि एक छोटी सी कोई अफोर्डेबल कार ले ले, ठीक है? छोटी सी कोई अफोर्डेबल कार ले रहे जिससे उसको, उसकी फैमिली को भी हेल्प हो जाए, राइट? सो एक ये हुआ। उसके बाद ये क्या बनाएगा, घर, ठीक है, हाउस बनाएगा। सो इन सब के वजह से आगे और इंडस्ट्री भी बूम होती है। जैसे अब ये सारे कहाँ से आएंगे, घर से? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर है वो हेल्प करेगी ना, राइट? तो क्या हुआ, इससे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है? डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। इस तरीके से इनकम का एक एस्पेक्ट होता है, राइट? तो हमको पता चलना चाहिए कि ये इनकम कैसे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ रही है, एजुकेशन एंड सो ऑन, राइट? आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ये तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट हेल्थ, फिर एजुकेशन। एजुकेशन के बाद होता है इनकम, ठीक है? ये तीन एस्पेक्ट होते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताऊं कि एचडीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट HDI। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ठीक है, HDI कैलकुलेट करने करने के लिए तुमको क्या करना है, मान लो हेल्थ, हेल्थ मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन मल्टीप्लाई बाय इनकम, ऐसे करूं? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है? या फिर हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस इनकम डिवाइडेड बाय 3, क्या इसका एवरेज निकालूं? ये भी गलत है। HDI कैलकुलेट करने के तरीकों को ना इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, जिससे कि कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में निग्लिजेंस होना बहुत कम हो सकता है, हो गया है, ठीक है? जैसे इन्होंने बोला, नहीं ये सिंपल एवरेज से काम नहीं चलेगा बॉस, हमारे को निकालना पड़ेगा इसका ज्योमेट्रिकल मीन, ओके? ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाता है इसमें, ज्योमेट्रिकल मीन, ओके? अब ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकाला जाता है भाई? सो यहाँ पर जैसे हेल्थ आया मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, आया मल्टीप्लाई बाय इनकम, राइट? अब इन सब का रूट निकाल दो,
ठीक है, तो रूट, ठीक है, रूट थ्री, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा एच डी आई। सो यहां पर अगर तीन कंपोनेंट है तो तीन, राइट। अगर यहां पर सिर्फ हेल्थ ही होता सपोज, राइट, तो रूट निकाला जाता। अगर यहीं पर हेल्थ मल्टीप्लाई बाय इनकम होता तो यहां पर टू होता। मान लो यहां पर हेल्थ मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन मल्टीप्लाई बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय सस्टेनेबल गोल्स मल्टीप्लाई बाय प्लानिंग, कुछ भी, राइट। अगर ये ऐसा हो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जितने कंपोनेंट होंगे रूट में वही वैल्यू आएगी, जितने कंपोनेंट होंगे रूट में वही वैल्यू आएगी, समझ में आया। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड किया जाता है। तो हमारे लिए ये ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड किया जाता है जिसके वजह से हमको पता चलता है कि HDI क्या चल रहा है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस तरीके से फाइंड किया जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, ये तो समझ गए हम लोग, आप मुझे ये बताओ कि इंडिया का क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल, ठीक है। सो इंडियाज रैंक ऑन HDI, ये बताइए सर, ये काम का चीज़ है, राइट। सो इसमें क्या है, इंडिया आज के टाइम पे 132 रैंक में है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ओके, अब ये अच्छा है बुरा है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। सो, आप लोग समझदार हो कि इंडिया को कितना काम करना है अभी इसके ऊपर, सिर्फ इंडेक्स बना के कुछ नहीं उखाड़ लिया है, राइट। सो इसका इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया का ब्रिक्स कंट्री के अंदर भी सबसे लोएस्ट HDI है, ठीक है। सो ये रिमार्क्स है इंडिया इंडिया के अचीवमेंट्स, जो जो कोई बात नहीं करना चाहता। बट आपको पता है क्या सीन क्या होता है, आज भी ना ज़्यादातर लोग यही 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 देख के खुश है कि इंडिया बेटर है। पाकिस्तान के रैंक से, ठीक है, उन वो लोग कहाँ, आप लोग कहाँ, राइट। सो जो चीज़ जो एस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है, जिस एस्पेक्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है, उस एस्पेक्ट में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है, राइट। वो ज़रूरी है कि आप देखें कि रियल ज़रूरत क्या है देश की, राइट, तो और वहीं पर कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। अब इसको आप ज़्यादातर ये ऐसा मान पाएंगे IHDI के नाम से, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से भी है तो भी आपने याद रखना है कि आप किसके बारे में सुन रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है ना, सुनने में बहुत बड़े बड़े टर्म लगते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितना ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, अगर ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनका HDI 100% सेम हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि दो कंट्रीज है, कंट्री ए
और कंट्री बी, और इनका जीडीआई जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.7%। अब इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई ये बोलता है कि ठीक है, अब आपका बराबर तो हो गया है, अब आपने करना क्या है, चेकआउट करना है, चेकआउट करना है कि आपके कंट्री के अंदर इंडिविजुअल एरिया के अंदर हेल्थ चेक करो, हेल्थ का कंट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है और इनकम का कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट। ये जो वैल्यू है, ये जितना बैलेंस होगी जिस कंट्री में, मान लो कि ए कंट्री का जो बैलेंस है इन तीनों सेक्टर में वो ज़्यादा है टू बी कंट्री, ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा कि जो बी कंट्री है वो लीस्ट है और ए कंट्री उससे पहले आएगी रैंक, ये रैंक गुड है ना, और ये रैंक बैक, ये पिछला रैंक होगा, ये इसके गुड रैंक में होगा, इससे आगे के रैंक में होगा, समझ आया। तो इंडिविजुअली अगर हम किस सारे सेक्टर्स को चेक करते हैं तो वो आता है आईएचडीआई के अंदर, राइट। आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया है यहां तक। अब मुझे लगता है वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि हम सब कुछ लिख के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो इसमें ज़्यादा लगता ही है ना। तो कल जो हम कवर करने वाले हैं उनको भी देखो, थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो अच्छा है। गिनी, गिनी कोफिशियंट एक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए देखो, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी ना हमारी 11th, और फाइनेंशियल प्लानिंग 12th, दोनों का थीम क्या था ये आपने पता करना है, ठीक है। दोनों का थीम पता करके आना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। अगर दोनों का थीम पता किया होगा तो वो आपको हेल्प हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर क्या बोल रहा हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर कौन सी चीज़ें बातें बातें करना चाह रहा हूँ, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें, राइट। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और फिर ख़त्म करेंगे इसको ग्रीन जीडीपी के साथ, ओके। ये हम करेंगे कल। सो ख़त्म करते हैं वीडियो को। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट कि आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन लेट ना मिले, क्लासेस का टाइम अच्छे से पता चल जाए। ये जो क्लासेस रोज़ प्रीमियर होता है इन वीडियोज़ का, सुबह 5 बजे, अगर सुबह 5 बजे आप उठ सकते हो तो कोशिश कीजिए। बिकॉज़ मैंने 5 बजे क्यों रखा है, ताकि ताकि आप लोग ऐसे टाइम पे उठे जहाँ पर आपके पास कम से कम डिस्टरबेंस हो और आप अच्छे से 1 से 1.5 घंटे वाला ये जो लेक्चर या फिर 40 से 50 मिनट वाला ये जो लेक्चर्स है इसको आप अच्छे से पढ़ भी सके और नोट्स भी मेंटेन कर सके, राइट। सो दैट कि आप आपकी रेगुलरिटी इसमें अच्छी बनी रहे, इसीलिए मैंने 5 बजे का टाइम इस पर चुना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ।